वेलकम और वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज है 5th of May, आज है संडे एंड आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। 2 दिन से तो मैं बिस्तर से एकदम उठ नहीं पा रही थी, बट टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर। क्या हुआ था ना, मैं कुछ दिन पहले अपने गांव गई थी, तो वहाँ पर मैंने रिवर है वहाँ पर हमारे गांव के पास, तो वहाँ पर मैंने जमकर नहाया था, तो इसलिए आई थिंक मुझे जुकाम हो गया। पैर हाथ सर सब कुछ एकदम बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था, तो मेडिसिन मैंने लिया एंड टुडे आई एम फीलिंग मच बेटर। 2 दिनों से मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, आज तो चलो फिर भी मैंने शॉर्ट्स एडिट किया है एंड थंबनेल एडिट किया है, बट आज मैंने सोचा था कि शूट वगैरह करूँगी अपने शॉर्ट्स के लिए, बट बॉडी में अभी भी वीकनेस है तो हिम्मत नहीं कर पाई शूट करने की। एनीवेज मैं 2 दिन से जब बेड पर थी तो एक वेब सीरीज देख रही थी नेटफ्लिक्स पर, हीरा मंडी, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली सर, एंड आई तो टोटली लव दैट सीरीज। मतलब क्या ही सीरीज बनाई है, इसे तो थिएटर में रिलीज करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज है। ये स्टोरी हमारे प्री इंडिपेंडेंस टाइम की स्टोरी है, तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है देखने के लिए, मतलब इंटरेस्ट नहीं, आप लोग देखो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। ओके गाइस, तो अभी मैं रेडी होकर बाहर जाने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। सो हमारे सिटी में एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, रूपटॉप रेस्टोरेंट, तो हम सब फ्रेंड्स वहीं पर जाने वाले हैं। मेरी मम्मी मुझे ज़रूर बोलेगी कि तबीयत खराब है, बट फ्रेंड से मिलने चली जाएगी, बट उनको कौन समझाए कि फ्रेंड से मिलने के बाद तबीयत एकदम सही हो जाएगी। ओके सो अभी मैं जाती हूँ, रेडी होती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। सो गाइज, आई एम ऑलरेडी, आज मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है क्योंकि करने का मन ही नहीं था। मैंने जस्ट अपना मॉइस्चराइजर लगाया है एंड लिपस्टिक लगाई एंड आई एम ऑलरेडी। अभी मैं फर्स्ट जाऊँगी सिरवी के घर, उसे पिक करूँगी एंड देन वी विल गो टू द रेस्टोरेंट। हम तो काली ही स्कूल जाउतलु, चली चली बस रे, बस धरिकी हम स्कूल जाउतलु, आज हम बड़ हो गेलु, बाहा हवा बस हो गेला रे गाइस। शादी करिए, मुझे बुलाइए, मैं जाऊंगी नाचने। ओके, कॉन्टेक्ट हर फॉर एनी डांस प्रोग्राम। शूट गाइज, अभी मैं जाऊंगी अपना डिनर करूंगी, उसके बाद मुझे ये वाला शॉर्ट वीडियो जो अभी मैंने शूट किया उसे एडिट भी करना है, वॉइस ओवर भी करना है। आवाज़ तो मेरी ठीक नहीं है, पता नहीं वॉइस ओवर कैसे करूंगी, बट आई हैव टू डू इट। सो या, आपसे मैं मिलती हूँ कल। बाय। आई एम ब्लॉगिंग आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। आज जाकर मेरी हालत यू कैन से प्रॉपरली ठीक हुई है, नहीं तो इतने दिनों से तो मैं एकदम बीमारी चल रही थी। मतलब इस बार मेरा जुकाम ठीक होने में बहुत टाइम लग गया, मतलब मेडिसिन मैंने ली थी बट फिर भी जुकाम जा ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। एंड जुकाम जब ठीक हुआ तब मेरा जो विजडम वाला टीथ है, कॉर्नर वाला टीथ, उसका दर्द स्टार्ट हो गया अलग से, तो वो मैंने झेला 2 दिन तक। एक मोमेंट तो ऐसा आया था कि मैंने सोचा था विजडम टीथ उठा देती हूँ, निकलवा ही देती हूँ, बट फिर दर्द चला गया। 2 दिन तक मैं खा पी, बहुत कष्ट से खा पी रही थी, सो वो मैंने झेला एंड उसके बाद आ गए मेरे पीरियड्स। सो मेरा क्या होता है, इस महीने अगर मुझे पेन हुआ पीरियड्स के टाइम, तो दूसरे महीने मेरा
नहीं आता है क्रैम्स उतना ज्यादा, तो इससे पहले वाले महीने में मेरा क्रैम्स नहीं आया था उतना ज्यादा, तो क्या इस महीने तो आना ही था, तो भयंकर वाला पेन था, मैं दिन भर एकदम बेड पे पड़ी थी। तो बस ये सब चल रहा था मेरे साथ, पता नहीं किसकी नजर लग गई थी, इतने दिनों तक मेरी एकदम तबीयत खराब ही चल रही थी। एंड बीच में भी मैंने उतना शूट वगैरह नहीं किया था, बस एक दिन बहुत कष्ट से मैं बेड से उठकर वो लिपस्टिक वाला वीडियो मैंने शूट किया था, क्योंकि ब्रांड कमिटमेंट था तो शूट करना ही था, ज्यादा दिन तक मैं डिले नहीं कर सकती थी, तो वही मैंने शूट किया था। एंड ज्यादा मैंने ब्लॉग भी नहीं किया। कल मैं गई थी काड़ूराम दुर्गा प्रसाद मेगा शॉप, जो हमारे यहाँ हमारे सिटी में बारीपदा में है, तो उनका एक शूट करना था मुझे, तो कल मैं गई थी शाम को वो वाला शूट करने के लिए। एंड उसके क्लिप्स भी मैं यहाँ पर प्ले कर दूंगी, आप लोग देख लेना। एंड वहाँ पर मैंने एक गाउन पहना था स्काई ब्लू कलर का, एंड इतना ज्यादा प्रिटी गाउन था कि मैं क्या बताऊं, इट्स सो प्रिटी। आप में से जो कोई भी बारीपदा या मयूरभंज से हैं, आप लोग डेफिनेटली जा सकते हैं उस शॉप में, वहां पर अभी उनका बाय टू गेट वन का ऑफर चल रहा है, सो आप लोग जो भी कोई भी दो चीजें प्रोडक्ट बाय करिए, आपको एक प्रोडक्ट उसके साथ एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट शॉप। एंड या अभी मैं सोच रही हूँ शूट करूँगी, क्योंकि दिन भर मैंने शूट वगैरह नहीं किया है, एडिटिंग कर रही थी, सो या अभी मैं शूट करूँगी एक ट्रांजिशन वीडियो। अभी रील्स पे हीरा मंडी का बहुत लुक्स चल रहा है ट्रांजिशन वाला, सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मुझे तो वो सीरीज काफ़ी पसंद आई, एंड उसके लुक्स ज्वेलरी एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, सो मैं भी सोच रही हूँ कि उसी का एक ट्रांजिशन वीडियो शूट करूँ। अभी मेरे सारे एथनिक वेयर्स मैंने अलमारी के ऊपर रख दिए हैं, सो वो सब अभी मुझे निकाल कर देखना पड़ेगा, आउटफिट सिलेक्ट करना पड़ेगा, सो वो सब अभी मैं करूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा चाय पी लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, एंड देन वी विल शूट। ऑल्सो गाइज, तबीयत खराब थी इसलिए मैंने अपने स्किन पर तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया है, ना ही फेस वॉश करती थी रेगुलरली, एंड ना ही मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी लगाती थी, एंड इसलिए यू कैन सी पिम्पल वगैरह मेरे निकल गए हैं, सो अभी मुझे स्किन केयर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, स्किन को ठीक करना पड़ेगा। एंड जिम भी मेरा एकदम छूट गया है, मैं इतने दिनों से जिम भी नहीं गई हूँ, सो टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडे इज नॉट अ गुड डे टू स्टार्ट, सो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। Write these songs, pretend I'll make it someday. Our friends are getting married, they're all settling down, so I'll lay here. सो गाइज, ये सारे आउटफिट्स वगैरह मैंने निकाल के रखे हैं, एंड यहाँ पर सारे ज्वेलरी वगैरह हैं, सो अभी मुझे पता नहीं है कि मैं इनमें से कौन सा आउटफिट पहनने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि पहले ट्रांजिशन से फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है ट्रांजिशन का, वो वाला शूट कर लेती हूँ, एंड देन वी विल डिसाइड। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ये ब्लैक कलर का टॉप पहना है, एंड उसके नीचे ये लहंगे का स्कर्ट मैंने पहन लिया है, एंड मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी पहन ली है, बट ठीक है, उस सीरीज़ में भी सारी लेडीज़ ने बहुत ही हैवी ज्वेलरी वगैरह कैरी किए थे, सो आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। मेरा टॉप में उतना ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं है, तो ज्वेलरी इसलिए मैंने हैवी सब पहन लिया है। एंड मैंने 7 बजे शूट करना स्टार्ट किया था, अभी 9:30 बज गए हैं, बीच में मैं डिनर करने भी चली गई थी, सो या दैट्स फाइन, अभी मुझे और भी 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर मुझे इस प्लेस पे थोड़ा सेटअप वगैरह करना है, कैंडल्स वगैरह जलाना है, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर शूट, तो जल्दी करते हैं। दिस इज अवर सेटअप गाइज, एंड पीछे का यू कैन सी, देखेंगे तो डर ही जाएंगे मेरे रूम की हालत, बट एनी वेज हम जल्दी अपना शूट कम्प्लीट करते हैं। Thank you.
सो गाइज मेरा शूट कंप्लीट हो चुका है एंड अभी रात के 11 बज गए हैं। मैंने अपना शूट स्टार्ट किया था 7 बजे, 11 बज गए, 8, 9, 10, 11, 4 घंटे मुझे लग गए शूट करने में। एंड ये जो मेरा बेडशीट है ये भी अभी निकल गया, लाइक शूट कंप्लीट होने के बाद ये खुद ब खुद निकल गया। एंड अभी मैं अपना मेकअप सब उतारूंगी, ज्वेलरी वगैरह रिमूव करूंगी, उसके बाद अपना नाइट ड्रेस पहनूंगी एंड मेरे सामने जितना भी मेस है ये सब मैं क्लीन करूंगी एंड उसके बाद ही मैं सो पाऊंगी। मेरे फ़ोन पे भी अभी चार्ज बिल्कुल भी नहीं है तो इसे मैं चार्ज में लगा देती हूँ एंड ये सब क्लीन वगैरह करती हूँ एंड देन सो हो जाती हूँ। सो या गुड नाइट गाइस। हाय गाइस, सो टुडे इज 12th ऑफ मे एंड आज है मदर्स डे। सो स्नेहा और मैंने ज़्यादा कुछ तो प्लान नहीं किया है मदर्स डे के लिए, हमने बस एक केक ऑर्डर किया है जो हम शाम को मम्मी से कट करवाएंगे। अभी शाम के 4 बजे हैं एंड 4:30 बजे मेरा एक शो है, कॉमेडी मतलब स्टैंड अप कॉमेडी शो। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोई शो अटेंड करने जा रही हूँ, वहाँ पर देवचरण मिश्रा जो कि भुवनेश्वर के हैं वो आने वाले हैं। सो 4:30 बजे मेरा शो है तो मैं अभी फटाफट जाती हूँ, रेडी होती हूँ एंड देन चलती हूँ वहाँ पर। ऑल्सो स्नेहा यहाँ पर बैठकर गाइस मोबाइल चला रही है, मैं बोलने वाली थी पढ़ रही है, बट ये मेरे पीठ पीछे गाइस मोबाइल चला रही है। मैं पढ़ रही हूँ, मोबाइल पढ़ रही हूँ, इतना बहुत कुछ लिखा है मैंने। उसका आज संडे है तो ट्यूशन में टेस्ट है तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। Light inside me glow. You're the only one who knows me. Such a baby when I'm gray, until all my colors show. I get lost in those hazy eyes. I'm in love with these lazy nights. So maybe we can stay back. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you.